अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम लोग आज स्पोर्ट्स फ्लोर पे स्पोर्ट्स डेस्क पर आज बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज़, जिसका फोर्थ T20 मैच कल खेला जाएगा लाहौर के कजाफी स्टेडियम में। एंड वट एवर हैपन इन द थर्ड T20, वेल दैट्स बिग न्यूज़ एज वेल, जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 7 विकटों से शिकस्त दे दी। सो वील लुक एट दैट एज वेल, और कल जो मैच होगा उसकी भी बात करेंगे। इंजरी अपडेट्स क्या है, टीम चेंजेस क्या है, वी हैव द बेस्ट टीम फॉर दैट। एंड ऑफकोर्स हमने विमेंस टीम की भी बात करनी है। आपको पता है कि पाकिस्तान विमेंस टीम और वेस्ट इंडीज विमेंस टीम के दरमियान ODI सीरीज जो चल रही थी उसमें वेस्ट इंडीज विमेन ने पाकिस्तान कंप्लीट वाइट वॉश कर दिया। विल हैव अ लुक जो थर्ड ODI में हुआ था। अब ये है कि अब पाकिस्तान ने 5 T20 मैचेस भी खेली हैं जो 26 अप्रैल से शुरू होंगी कराची में। सो ये हमारा एजेंडा है आज। बट जल्दी से मैं अपने एनालिस्ट को भी आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी, जो अपनी चाय कस से पी रहे हैं, बिकॉज ही मस्ट हैव सम टी फॉर मी। कुछ चाय के साथ आज कुछ है आपके पास मुझे बताने के लिए या नहीं? सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी मेरे साथ मौजूद हैं, एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी जेंटलमैन। अच्छा, हम लोग थर्ड T20 के बाद तो हम बात कर रहे हैं, बट अभी फ्रेश अपडेट्स क्या है, लेटेस्ट अपडेट्स क्या है? आई थिंक याह्या भट्टी साहब आप दोनों से हम लोग पूछ रहे थे। तो याह्या, अभी जो मेरे पास अपडेट आई थी PCB की तरफ से, वो मोहम्मद रिजवान की थी कि उनका स्कैन जो किया गया है अभी वो थोड़े कुछ डॉक्टर्स को लंदन में भी दिखाए जाएंगे या भेजे जाएंगे। सो अभी वो फिलहाल T20 मैचेस फ्यूचर में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, एवरीबडी वांट्स टू नो। देखिए फातिमा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले में बहुत राज, वो कहते हैं ना, सीगे राज में चीज़ों को रखा हुआ है। कैटेगोरिकली अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि मोहम्मद रिजवान अगले दो मैचों के लिए दस्तयाब हैं या नहीं है। हाँ, ये बात जो आपने की है बिल्कुल ठीक है कि उनके जो मामलात हैं उनको संजीदगी के साथ लुक आफ्टर किया जा रहा है, बट जो उनकी इंजरी इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है फातिमा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मोहम्मद रिजवान जो है हमारी टीम से दूर हो रहे हैं। उनकी इंजरी जो है अचानक कितनी सीरियस हो गई है, तो ये पाकिस्तान टीम के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और अचानक ये जो पाकिस्तान टीम के बैटिंग स्ट्राइक रेट को लेकर गुफ्तगू शुरू हो गई है, और कल अपने लबों को जुम्बिश दी है हमारे एक्स T20 कैप्टन वाइट बॉल वाइस कैप्टन शादाब खान ने, और उन्होंने कमोबेश उन्हीं अल्फाज का सहारा लिया है, वही बातें की हैं जो मीडिया से पहले करता रहा है। उन्होंने कहा कि रन्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो रन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्ट्राइक रेट टीम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, और जो मेरी मालूमात हैं, जो मेरी इत्तलात हैं, टीम मैनेजमेंट इस बारे में बड़ी संजीदगी के साथ गौर कर रही है कि जी हमें अब टॉप ऑर्डर में जो है ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो मार धाड़ करें। तो अब उस्मान खान उनकी निगाहों का मरकज़ होंगे, उनके लिए आखिरी दो मैच बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। फ़खर जमान आ रहे हैं चौथे मैच में, तो वो पाकिस्तान के एक ऐसे बैटर हैं वाइट बॉल क्रिकेट में जो कि खेलते हैं तो फिर मैच फिनिश करके आते हैं, तो वो देखें कितनी फॉर्म में है, क्योंकि PSL में लाहौर कलंदर से हमने देखा बिल्कुल आउट ऑफ कलर नज़र आए वो। अब देखें मामला कहाँ तक जाते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस वक्त सारा फोकस हमारे बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट को लेकर अचानक हो गया। एंड सिको इज इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये बहुत सारी बातें होती जा रही थी और आज मैं देख रही थी सब लीडिंग स्टोरी है हर यू नो न्यूज़पेपर पे, क्रिकेटिंग वेबसाइट्स पे, कि बाबर थोड़े डिफेंसिव थे मगर शादाब कह रहे हैं कि इम्पैक्टफुल इनिंग्स होनी चाहिए, आप कंसिस्टेंटली रन बनाते रहो, इट डजेंट मैटर अनलेस योर स्ट्राइक रेट इज़ गुड। एंड आई थिंक ये बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है व्हाट हैपेंड इन द थर्ड T20 मैच। क्या शादाब को इस तरह खुलकर बात करने की इजाज़त होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसका मुझे नहीं पता। देखिए ना, अगर वो इस तरह आकर जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो आपके दो बड़े प्लेयरों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं, आई डोंट थिंक सिको आई कैन हेयर यू, वी जस्ट फिक्स दैट, स्टे विद मी, आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा सिको, आई जस्ट कम बैक टू यू इन अ मिनट, जल्दी लेट मी जस्ट फिक्स दैट। बट भट्टी साहब, आई थिंक आई थ्रो द सेम क्वेश्चन एट यू एज वेल, और फिर हम लोग भट्टी सिको के पास भी जाएंगे। अभी भी हम लोग शो शुरू होने से पहले ये बात कर रहे थे कि शादाब के बारे में ज़रूर बात करनी है, बड़े काफ़ी वोकल हो रहे हैं, काफ़ी बातें कर रहे हैं इस बारे में, स्ट्राइक रेट एंड एवरीथिंग। देखें बिल्कुल फातिमा, कई सालों से हम लोग इसी स्पोर्ट्स फ्लोर पे यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जिस ब्रांड की T20 क्रिकेट खेल रही है ये वो ब्रांड नहीं है जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड है, इंडिया का ब्रांड है, या साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें खेलती हैं। हम बनाते हैं 170-190 रन, जिस दिन हमारी बॉलिंग चल जाती है हम वो स्कोर डिफेंड कर जाते हैं। लेकिन अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट को देखें, हमारे पड़ोस में भी एक लीग इस वक्त चल रही है, उसमें 240-245 रन बन रहे हैं जो चेज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब क्रिकेट जो है तब्दील हो गई है। शादाब खान, पता नहीं उनको कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हकायक वही है जो शादाब खान ने कहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट इन इस तरह गेंदे ज़ाया करके
और 20 गेंदों पर अगर हम 35 रन बना दें तो ये क्रिकेट अब दुनिया में नहीं है। 20 रन 20 गेंदों के ऊपर 50-60 रन बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब बाबर आजम को दोबारा कप्तानी मिली है, उनके लिए नेक ख्वाहिशात, वर्ल्ड कप भी है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बैट्समैनों को, ख़ास तौर पर बाबर आजम, रिजवान जो टॉप ऑर्डर में आते हैं, उनको अब गियर चेंज करना पड़ेगा। इस स्पीड के साथ पाकिस्तान टीम ऊपर नहीं जा सकती। एंड आई थिंक वी शुड, हमें इस बात करनी चाहिए जो अमेजिंग नॉक था चैपमैन का, बहुत मजा आया देख के, दोबारा हाईलाइट्स में भी देख रही थी। बट सिक्को, आई थिंक हम फैंस जो सब बातें कर रहे हैं, एक तो हम कह रहे हैं नो पिंडी इट्स आवर ग्राउंड, हमें पता है, तो एक तो सपने बोला, कोच ने भी बोला कि वी वर 20-30 रन शॉर्ट, हमें भी यू नो 100-180 इज वेरी लेस को टू डिफेंड। एक तो उसके बाद आई डू वॉन्ट टू टॉक अबाउट द बैटिंग अप्रोच, क्योंकि देखिए इस बॉलिंग के बारे में बात जरूर करेंगे, हम आपके फ्रंट लाइन बॉलर्स के बारे में बात करेंगे, बट बैटिंग अप्रोच और जो इंटेंट थी उसमें मज़ा नहीं आया, ऐसा लग रहा था हर कोई एंकर कर रहा है इनिंग्स। यू नो मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अब आ रही है। तो पहले मैं ये कह रहा था कि जी शादाब को क्या ये बातें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि इसका जो जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं चीज़ें वो बाबर के ऊपर और रिजवान पे ज़्यादा कर रही हैं, दूसरों पे नहीं कर रही थी, इसलिए कि दूसरे तो अगर इरफान को आप गाजी को बोलेंगे तो आई एम सो सॉरी, आप इतनी अच्छी बात करें, आई हैव टू टेक अ क्विक न्यूज़ ब्रेक, मैं वापस आऊँगी, स्टे विद मी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग बात कर रहे थे अबाउट सम कॉमेंट्स ऑफ द फील्ड जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, बट यू रिमेंबर शादाब खान की वजह से ही जिनके 41 थे ऑफ 20 बॉल्स एट पाकिस्तान एक अपने अच्छे टोटल पे पहुंचा। तो सिक्को आप अपने यू नो यू वर सेइंग समथिंग, आई एम सॉरी आई इंटरप्टेड यू, प्लीज़ कंटिन्यू, आपने पहले इस बारे में थोड़ी सी बात कर रहे थे एंड अबाउट द 30-20 मैच। वो मैं यही कह रहा था कि शादाब को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से, इसलिए कि टीम में देखते हैं यूनिटी फिर इसमें डिस्टर्ब होती हुई नज़र आती है कि शादाब कुछ कह रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है बाबर को, रिजवान को जो कि सीनियर प्लेयर हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, नंबर वन। नंबर टू, अभी मैं नेट पे देख रहा हूँ कि किसी ने न्यूज़ डाली है कि रिजवान इज़ आउट ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड टूर, आई डोंट नो कि ये सही है गलत है। देखिए हैमस्ट्रिंग की जो इंजरी होती है जब तक सही नहीं होते आप नहीं खेल सकते। रिजवान हमारा सबसे अच्छा रनर है बिटवीन द विकेट्स, बहुत गोली की तरह भागते हैं, उनको बगैर स्ट्रॉन्ग हैमस्ट्रिंग्स के वो नहीं भाग सकेंगे, तो एक ये भी खबर है। और दूसरी एक और खबर आई है कि जी प्लेइंग 11 अनाउंस हो गई है, जो कि हमने बात की थी कि जी उसमें जमान खान का नाम नहीं है, अगर ये मतलब हमारे साथ याया और माजिद भट्टी साथ मौजूद हैं वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। वो इनसाइड न्यूज़ पर जा सकते हैं, ऑफिशियली प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं है, आई थिंक आई कैन गारंटी यू दैट लोगों ने डाली है, तो वो इसमें जमान खान का होना जरूरी है ना। अब अगर आपने शाहीन को, नसीम को खिला दिए दो दो मैच, अब उनको रेस्ट दे दें, अब आप जमान खान को लेके आएँ और वो जो बैटिंग ऑर्डर है उसको रीशफल करें, आई एम श्योर चीज़ें सही हो जाएंगी। ये सीरीज़ जीते ना जीते कोई बात नहीं, मगर आपने आगे की तैयारी करी। एब्सोल्युटली, मुझे भी लगता है यू लुक यू विल लूज, मगर ये होता है कि आप अपनी गलतियों से सीखो एंड इम्प्लीमेंट करो। बट एक सेकंड, क्या आपने मुझे शुरू में जरा बताया नहीं था कि जमान खान की इंक्लूजन का, और डिड आई मिस हियर दैट? जी मेरे पास तो इतना है, नसीम भी नहीं खेल रहे और शाहीन आफरीदी भी नहीं खेल रहे, लेकिन जो सिकंदर बख्त बात कर रहे हैं वो मैं ये नहीं कह रहा कि अफवाह पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं स्पेकुलेशन है। तो ना रिजवान के बारे में क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से कोई बात की है, ना प्लेइंग 11 के हवाले से बात की है, 2-3-4 तब्दीलियों की तवक्को है। आमिर और इमाद तो वापस आ रहे हैं, क्योंकि अब टीम ये भी चाहेगी कि मैच को जीता जाए, सीरीज़ को जो है वो उसमें जो है वो बरतरी हासिल की जाए। तब्दीलियाँ तो हो रही हैं, लेकिन अब देखना यह है कि हम अपने सीनियर प्रो को बाहर बैठाते हैं या नहीं बैठाते, लेकिन रिजवान के हवाले से अभी क्रिकेट बोर्ड जो है वो सारी चीज़ों को कवर करेगा और उसके बाद मेन प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम के, इतनी जल्दी मेरा नहीं ख्याल के फैसला करेंगे। अच्छा ठीक है, चलें लेट्स सी। ऑफ कोर्स आई थिंक वो आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ के बारे में तो बात करें, बट अभी हमें लग रहा है कि शायद न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ में बाकी मैचेस वो नहीं खेल सके, वी विश हिम फुल रिकवरी। भट्टी साहब, आई थिंक अब बॉलर्स की भी हम थोड़ी सी बात कर लें, आई मीन हमारी बॉलिंग जो थी एंड फील्डिंग टुगेदर ऑन द 30-20 बेंच, उसमें भी वी हैव टू वर्क ऑन इट। लग नहीं, मतलब हमारे जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं शाहीन है, नसीम, दे जस्ट हैड अ बैड डे और वो बस रन कंटेन कहीं नहीं हो रहे थे। देखिए फातिमा, जब जो अच्छी बॉलिंग करते हैं तो लगता है कि अनप्लेएबल हैं, जब उनको मार पड़ती है, जिस तरह हमने थर्ड T20I में देखा मार्क चैपमैन और वो फॉक्स जो थे उन्होंने चार्ज किया, तो उसके बाद बिल्कुल ऑर्डिनरी बॉलर नज़र आए। मेरे ख्याल में हमने हर चीज़ के लिए कोच रखा हुआ है, इन बॉलर्स को बिल्कुल हमें थोड़ा सा आराम भी देने की ज़रूरत है। फिर जब हमने कल देखा नेट्स के ऊपर हारिस रऊफ भी हमें नज़र आए, अब मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले लिए, वो पहला जो सेकंड मैच खेले उन्होंने अच्छी बॉलिंग की,
इसके अलावा हमारे पास अभी वसीम जूनियर बाहर बैठे हुए हैं, हालांकि इस 18 मेंबर स्क्वाड जो अनाउंस हुआ इसमें वसीम नहीं है, लेकिन वसीम पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। तो हमारे पास जमान खान है, बॉलिंग में ऑप्शन है, लेकिन हमारी बॉलिंग को भी थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। जिस तरह की उन्होंने शॉर्ट पिच बॉलिंग इस पिंडी की पिच के ऊपर की, मेरे ख्याल में वो तो फिर खुदकुशी करने वाली बात थी, वहाँ तो फिर मार्क चैपमैन उनके कंट्रोल में नहीं आए। लेकिन आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि अज़हर महमूद ने कहा कि हम 30 रन कम थे, लेकिन अगर आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बाबर आजम को सुने तो बाबर आजम तो कह रहे थे हमने स्कोर सही किया, बैट्समैनों की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री थी, हम बॉलिंग और फील्डिंग में लेट डाउन किया। लेकिन फील्डिंग देखें हर टीम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैपमैन की जिस तरह हमने 3 कैचेस छोड़े हैं और नसीम शाह ने सीधा कैच छोड़ा, फिर जब रिजवान ने विकेट कीपिंग नहीं की तो उस्मान खान ने एज ए विकेट कीपर अबरार की गेंद पर कैच छोड़ दिया, फिर अबरार ने अपनी गेंद पर कॉटन बॉल छोड़ दिया। तो एक ऐसे बैट्समैन को जो मैच विनर है हम 3 चांस देंगे तो फिर हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि हम न्यूजीलैंड की इस टीम को हरा सकेंगे। मेरे ख्याल में अब पैनिक करने की जरूरत नहीं, ठीक है, एक मैच हार गए तब आराम से खेलें, पाकिस्तान टीम अभी भी ये T20 सीरीज जीत सकती है। अगेन अमेजिंग नॉक फ्रॉम चैपमैन बट पाकिस्तान टीम वर नॉक्ड आउट। यस आत्मा, मैं एक बात करना चाह रहा हूं। ओके, वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक सिकु। अच्छा, ब्रेक के बाद मैं चैपमैन पे बात करना चाहता हूं। चलिए, इट्स आई विल गिव इट टू यू देन आफ्टर द ब्रेक, बट एनीवे हम लोग छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वी सी यू राइट आफ्टर, स्टे विद अस।